स्ट्रॉबेरी लगाई, थोड़ा सा ग्रीन रख लें इसके ऊपर। लुक एट दिस स्ट्रॉबेरी शेप। वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए क्या बन रहा है, आज आपके लिए स्मूदी बना रहे हैं, बहुत हेल्दी सी स्ट्रॉबेरी बनाना और कोकोनट के साथ। आपको पता है कोकोनट के बहुत सारे फायदे होते हैं और ये अफ्तारी के लिए बन रही है। वैसे भी आप इसको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर कोई नहीं डाल रहे, मीठे की जगह हम बनाना यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बनाना नहीं है तो आप खजूर भी यूज कर सकते हैं या शहद यूज कर सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी और बनाने के पीसेस कर लेने हैं। आपने लेनी है, अगर ज्यादा बना रहे हैं तो मैं 2 गिलास बना रही हूँ। आपने लेनी 1 कप स्ट्रॉबेरी के, उनको आप धो के विनेगर में सोक कर लें, अच्छी तरह साफ कर लें और फिर उनको इस तरह, आप नहीं भी काटने की जरूरत क्योंकि ये बहुत जल्दी वैसे ही ग्राइंड हो जाती है, तो इन्हें काटेंगे इस तरह से, इनका ये उतार देंगे। 1 कप स्ट्रॉबेरी और 1 बनाना जो कि मैंने मीडियम साइज का लिया है, इसके भी हम बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अपना ब्लेंडर लेना है, उसमें आपने डालना है अपना बनाना और स्ट्रॉबेरी। आपको पता है बनाना कितनी ज़्यादा आपको के भी बेनिफिट हैं और स्ट्रॉबेरी के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं लीवर क्लीन करने के लिए, लेकिन बनाना जो है आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है अफ्तारी में, या आप इसको सहरी में भी पी सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कोकोनट मिल्क है जो कि 1 कप मैं यूज़ कर रही हूँ, और कोकोनट का तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितना ज़बरदस्त है, तो 1 कप मैंने ये शामिल किया। 1 कप प्लेन मिल्क, 2 मिनटों में 1-2 मिनट में कितनी मजेदार जबरदस्त से स्मूदी तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको अपने ग्लास में डालें। और आइस मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि अफ्तारी में भी टाइम है, तो इस वजह से मैंने इसमें आइस नहीं डाली। और ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी लगाएं इसके ऊपर, एक इस तरह स्लाइस कर लें, इसके अंदर से इस तरह से स्लाइस किया मैंने और इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी लगाई। थोड़ा सा ग्रीन रख लें इसके ऊपर, एंड लुक एट द स्ट्रॉबेरी शेप। कितना हेल्दी और मजेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक हमारा तैयार हो गया है। So, आपने देखा कि हमारी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तैयार हो गई है। आप जाके इसको जरूर ट्राई करें और यकीन करें कि आर्टिफिशियल जो शुगर है, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, कोई भी इस तरह की चीज, ब्राउन शुगर तो फिर भी ठीक है लेकिन व्हाइट शुगर का रमजान में यूज ना करें क्योंकि उससे आपको एक तो भूख ज्यादा लगती है और फिर पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो नेचुरल स्वीटनर्स डालें, जैसे मैंने कोकोनट का मिल्क डाला है इसमें, या फिर बनाना डाला है, आप डेट डालें, अंजीर डालें, तो ये चीज़ें आपको विटामिन्स के तौर पे भी यूज़ होंगी और आपको एनर्जी भी देंगी और आपको फुल भी रखेंगी। चलें आप जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।